वैसे भी जी एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आमेर में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, बड़ी जानकारी आपको बताते, आज सुबह आमेर महल का भ्रमण कर हुए गदगद, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। जॉनसन ने आमेर महल के दर्शन किए, मानसिंह महल सहित अन्य को बताया अद्भुत, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें। जॉनसन आमेर महल सुरंग से होते हुए जयगढ़ किले के लिए घूमने गए थे, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। आमेर में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे और ऐसे में आज सुबह आमेर महल का भ्रमण कर गदगद हो उठे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जॉनसन ने आमेर महल के दीवाने आम का दीदार किया और मानसिंह महल सहित अन्य को बताया अद्भुत। जॉनसन और आमेर महल सुरंग से होते हुए जयगढ़ किले के लिए घूमने निकले, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आमेर में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे थे और आज सुबह आमेर महल का भ्रमण कर वे गदगद हो उठे, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। मानसिंह महल सहित अन्य को अद्भुत बताया है बोरिस जॉनसन ने। जॉनसन आमेर महल सुरंग से होते हुए जयगढ़ किले के लिए घूमने निकले थे। तो आमेर में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, बड़ी जानकारी, यहाँ के किलों का उन्होंने जमकर तारीफ की है। मुझे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा, इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, वो आज अल सुबह आमेर में घूमने के लिए पहुंचे थे और आमेर का भ्रमण करते हुए उनको आमेर की जो दीवाने आम है, दीवाने खास है, गणेश फॉल है, शीश महल है, वही मानसिंह महल सहित अन्य चीजों को देखकर वो अभिभूत हो गए और आमेर की उन्होंने जमकर तारीफ की है। जॉनसन आमेर के महल में घूमने के बाद में आमेर महल से ही सुरंग के रास्ते से होते हुए जयगढ़ किले में घूमने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उनके साथ प्रोटोकॉल था, आमेर महल प्रशासन था और जो आमेर थाने के पुलिसकर्मी है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ साथ में थे और जो आमेर की खूबसूरती को निहार कर उन्होंने अभिभूत हो गए थे। बिल्कुल मुकेश, क्या आज बोरिस जॉनसन आमेर में ही रुकेंगे या फिर उनका अन्य कोई कार्यक्रम भी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, फिलहाल उन्होंने आमेर महल घूम चुके हैं और उसके बाद में वो जयगढ़ किले में भी घूम चुके हैं, उसके बाद में वो जयपुर के लिए निकल गए हैं। उनका जयपुर में रहना या अन्य जगह पर जाना फिलहाल कहना मुश्किल होगा, लेकिन आमेर की जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए वो अल सुबह जो सर्दी का मौसम है उसी समय वो आमेर महल घूमने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सुबह आमेर महल का भ्रमण कर गदगद उठे बोरिस जॉनसन। जॉनसन ने आमेर महल के दीवाने आम का भी दीदार किया है।